सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 4,10,000 नौजवान ऐसे हैं जो पिछले 9 महीनों से लगातार नौकरी पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका दिन का चैन और रात की नींद दोनों हराम हैं। ये 4,10,000 लोग किसी राज्य में अगर नौकरी पाने के लिए लगातार सरकार के सामने और अदालत के सामने अपनी गुहार लेकर के दौड़ते रहते हों और नतीजा कुछ नहीं हासिल होता हो तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उत्तर प्रदेश में नौकरियों को लेकर के जिस तरीके से घालमेल या यूं कहिए कि मकड़जाल सा है सरकार के और अदालतों के बीच में, उसमें वहाँ का नौजवान लगातार पिसता रहता है और नौकरी के लिए वो महीने साल इंतज़ार करता रह जाता है। आज मैं जिस मामले को लेकर के आया हूँ वो दरअसल वहाँ प्राइमरी टीचर्स की भर्ती का मामला है। शिक्षकों की भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी वो 6 जनवरी 2019 को हुई थी। आज सितंबर 2019 है। तारीख अगर आज की मैं बताऊं आपको तो 10 सितंबर 2019 यानी कि 9 महीने 1 दिन हो गए। 6 जनवरी के इम्तिहान के बाद 7 जनवरी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदेश निकाला कि 60 से 65% कट ऑफ होना चाहिए इस इम्तिहान का, यानी कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए 65% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है और जो आरक्षण के दायरे में आते हैं उनके लिए 60% नंबर लाना ज़रूरी है। इसके बाद जो शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में थे, जो पहले से वहाँ स्कूलों में पढ़ा रहे हैं एडहॉक बेसिस पर, उन्होंने सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इस चुनौती को 2 महीने के बाद जो सिंगल बेंच थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसने अपना फैसला सुनाया और फैसले में उसने कहा कि जो सरकार का 60 और 65% कट ऑफ लिस्ट का आदेश है उसको रद्द किया जाता है और इस इम्तिहान में यानी प्राइमरी टीचर्स की परीक्षा में 40 और 45% का जो कट ऑफ है वही बना रहेगा। दरअसल पीछे जो इम्तिहान हुए थे उन इम्तिहान में अदालती आदेश में ही 40-45% को रखा गया था, यानी कि अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो 45% और आरक्षण के दायरे में आते हैं तो 40% आपको अंक हासिल करने होंगे। बावजूद इसके जो पिछली बार भर्तियां हुई उन भर्तियों में इतना कट ऑफ तक लोग नहीं आ पाए और सीटें खाली रह गईं, जबकि 3 दफ़ा इम्तिहान हुए थे या 3 दफ़ा उन सीटों को भरने की कोशिश हुई थी। अब जो इस साल इम्तिहान 59,000 शिक्षकों के लिए हुए उसमें मार्च में यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का आया था और उसको चैलेंज करना था राज्य सरकार को, क्योंकि 2019 मार्च में सरकार लोकसभा चुनावों को लेकर के फंसी पड़ी थी। बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ वहाँ हैं, उनके पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। सरकारी जो पूरा अमला था वो चुनावों को लेकर के बहुत कुछ हो सकता है कि परेशान हो या उसमें फंसा हुआ हो, इसलिए इस मामले पर कोई बड़ा फैसला सरकार नहीं कर पाई, आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया और अपने जो आदेश को सही ठहराया कि हमारा जो आदेश है 60 से 65% कट ऑफ का उसको ही माना जाए। अदालत की डबल बेंच के सामने उसने गुहार लगाई, गुजारिश की और जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको चुनौती दी। अब इसकी सुनवाई वहाँ चलने लगी। सुनवाई चलने के दौरान हुआ ये कि हियरिंग पर हियरिंग होती रही, यानी कि डेट पे डेट, माफ़ कीजिएगा, हियरिंग पे हियरिंग नहीं बल्कि तारीखें आती रहीं, लेकिन सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल को जाना था, महाधिवक्ता को जाना था, महाधिवक्ता नहीं गए। एक तारीख गई, दूसरी गई, तीसरी गई, इस तरह से कई तारीखें चली गईं, महाधिवक्ता नहीं गए। इस दौरान इतने परेशान और हताश हो चुके हैं वो लोग जिन्होंने इम्तिहान दिया है, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश में वर्षों की मेहनत के बाद आप इम्तिहान देने के लिए आते हैं, नियुक्तियां आती हैं, परीक्षाएं होती हैं और उसके बाद एक उम्मीद जगती है। यह 9 महीने जो गुजर गए उसमें इतने लोग हताश हो गए कि 7 ने तो खुदकुशी कर ली। पिछली बार जो वहाँ के प्राइमरी एजुकेशन के मंत्री हैं उन्होंने यह भरोसा दिया था कि इस बार जो है वो महाधिवक्ता कोर्ट के सामने जाएंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे और सतीश द्विवेदी ने
यह भरोसा दे दिया था कि इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो पिछली सुनवाई 5 सितंबर की थी उस सुनवाई में भी महाधिवक्ता नहीं गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार अगर यह मान रही है कि बेहतर शिक्षा के लिए जो टीचर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट जब भी हो तो वो क्वालिफाइड लोग हों, बल्कि वेल क्वालिफाइड लोग हों, इसलिए 60-65% का कट ऑफ होना चाहिए। अब ये कट ऑफ 60-65% क्यों है और जो एडहॉक बेसिस पे काम करने वाले शिक्षा मित्र हैं उन्होंने इसको क्यों चैलेंज किया था, इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। लेकिन सरकार ने जो कुछ भी कहा, अपना आदेश दिया, उस आदेश की के हक में उसको अपने वकील को खड़ा करके और अपने पक्ष में फैसला लेना चाहिए। अब अगली तारीख 12 सितंबर है, लेकिन क्या 12 सितंबर को सरकार के वकील जाएंगे? क्या सरकार अदालत के सामने ये कहेगी कि भाई 60-65% का कट ऑफ का जो फैसला हमारा है, आदेश है, उसको अदालत जो है वो मान्यता दे, उसको स्वीकृति दे और सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करे? क्योंकि शिक्षा मित्र हैं वो, शिक्षा मित्र जो बहुत लंबे समय से काम करते रहे हैं और उनको वेटेज मिलता है 25% का, यानी कि 25% का वेटेज है, लंबे समय से वो स्कूलों में काम करते रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो इंटरमीडिएट क्वालिफाइड, इंटरमीडिएट पास हैं, 12वीं पास हैं, उसके बाद वहाँ उनको नौकरी दे दी गई। तो प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को भरने के लिए, ख़त्म करने के लिए स्थानीय स्तर पर गाँव और आसपास के लोगों को शिक्षक बना दिया गया, लेकिन वो टेम्प्ररी शिक्षक रहे, उनके क्वालिफिकेशन को लेकर के बहुत ध्यान नहीं दिया गया, उनके लिए कोई इम्तिहान नहीं लिया गया। इसलिए जब अखिलेश यादव की सरकार ने 2012 में इन्हीं सभी टीचर्स को जो एडहॉक बेसिस पर काम करते रहे शिक्षा मित्र, जब स्थायी किया तो उस मामले को चुनौती दी गई थी और बाद में कोर्ट ने माना था कि इस तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति ठीक नहीं है, उनका टेस्ट होना चाहिए, उनकी परीक्षा होनी चाहिए। और जो चुनाव की प्रक्रिया है, किसी भी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही टीचर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, लिहाजा बाद में परीक्षाओं के जरिए ही नियुक्तियाँ होने लगीं। और इस बार भी जो 2019 की जनवरी में परीक्षा हुई वो टीचर्स की नियुक्ति के लिए उसी प्रोसेस का हिस्सा है। अब अगर सरकार ही अपने पक्ष को लेकर के कोर्ट के सामने नहीं जाती है तो फिर वो 59,000 नियुक्तियों को लेकर के 4,10,000 लोग अपने दिन और रात खराब क्यों किए पड़े हैं? दरअसल इन लोगों की बेचैनी, इन लोगों की परेशानी का कारण सिर्फ यही है कि सरकार मजबूत नहीं है। वो अपने फैसले को लेकर के अपने वकील के ज़रिए कोर्ट में अपने पक्ष को ताकत के साथ रखना शायद चाहती नहीं है, या फिर चाहती है तो कहीं ना कहीं कोई अड़चन सी है, क्योंकि 3-4-5 महीने गुजर जाने के बाद भी अगर आप कोर्ट को लटकाए हुए हैं और तारीख पर तारीख लेते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी, दिक्कत या उहापोह की स्थिति आपके अंदर है। और यह सारा दोष जो है वो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार का है, क्योंकि आपको जो रास्ता अख्तियार करना है सिलेक्शन का, वो रास्ता अख्तियार कर लेना है। आप शासन हैं और आप एडहॉक बेसिस पर शासन नहीं चला सकते हैं। 4,10,000 लोगों की किस्मत के साथ आप 9 महीने तक खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। 4 लाख लोग 9 महीने तक अपने दिन रात एक किए हुए हैं, उसके बाद वो अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं, कल वो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन धरना प्रदर्शन करने, अदालतों के चक्कर लगाने और फिर जाकर के मीडिया हाउसेस के सामने खड़ा होकर के अपनी खबर चलवा करके सरकार पर दबाव डलवाने का काम ये करते रहेंगे तो फिर इनकी ज़िंदगी का क्या होगा? ये सोचना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति है जो कई दिनों से मुझे लगातार फॉलो करता रहा है और गुजारिश करता रहा है कि मैं इस खबर को उठाऊं, क्योंकि ये खबर जो है 4 लाख से ज़्यादा नौजवानों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के वो 4,10,000 नौजवान हैं और उनसे लगातार मैंने आज दिन में बात की, समझने की कोशिश की कि मामला क्या है। ये मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन अभी जिस तरीके से मैंने आपके सामने रखा है, कुल मिलाकर के तस्वीर इतनी भर की है। जिन लोगों ने इम्तिहान दे रखे हैं उन्हीं में से एक हैं दीपक रौनियार, बहुत दिनों से ये मुझसे बात करते रहे और चाहते थे कि मैं इस मामले को उठाऊं, क्योंकि मामला ये 4,10,000 लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा मैंने ये सोचा कि इनको भी इस बातचीत में शामिल कर लूँ ताकि आपको थोड़ी और तस्वीर साफ हो सके। दीपक, मेरी आवाज़ आपको आ रही है?
कट ऑफ को लेकर के लफड़ा है, अगर यह नियुक्ति रुकी पड़ी है, नतीजा रुका पड़ा है, तो दिक्कत इसलिए है कि जो शिक्षा मित्र रहे हैं और शिक्षा मित्र जो नहीं है, इम्तिहान उन्होंने दे रखा है, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। शिक्षा मित्र चाहते हैं कि 40-45% का कट ऑफ हो, और जो लोग शिक्षा मित्र नहीं है, इम्तिहान दे रखा है, वो चाहते हैं कि 60-65% का कट ऑफ हो। ये लड़ाई क्यों है? सर ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि शिक्षा मित्रों को सर 25% का भारांक दिया जा रहा है, 25% का भारांक है। यानी आप ये करें कि उनको 25% का वेटेज मिल जाता है शिक्षा मित्र होने के नाते। जी जी वेटेज मिल जाता है, जिसके नाते वो लोग आम बीसीसी बीएड कैंडिडेट की तुलना में काफी आगे कट ऑफ के मामले निकल जाते हैं सर। ठीक है, सीधा सीधा नुकसान सर बीसीसी और बीएड वालों को होता है। अच्छा, 40-45 नहीं तो 40-45% का कट ऑफ होता है तो फिर शिक्षा मित्र ज्यादा आ जाएंगे, आप यही कह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल सर, इन लोगों का चयन अधिक मात्रा में होगा। बीटीसी बीएड कैंडिडेट जो है सर, अगर वो 100 अंक भी लाया रहता है बीटीसी और बीएड का कैंडिडेट, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर कोई शिक्षा मित्र इस भारांक की वजह से 60 अंक भी लाया रहता है तो उसका चयन हो जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर शिक्षा मित्र आप नहीं है और आपने 100 नंबर लाए और जो शिक्षा मित्र है वो 7 नंबर लाता है, तो 7 नंबर लाने वाले की नौकरी हो जाएगी और 100 नंबर लाने वाले सर, जी जी सर, 60 अंक पाने वाला नियुक्ति पा जाएगा और 100 अंक लाने वाला सर वो घर पे बैठा। अच्छा, 60 नंबर, हाँ 60। अब ये बताइए कि जो शिक्षा मित्रों को लेकर के आप लोगों का एतराज रहता है, आप लोग बार बार सवाल करते हैं कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति जो है वो स्थायी लेवल पर हो, मतलब स्थानीय स्तर पर हो गई, कभी मुखिया ने, प्रधान ने, बाकी लोगों ने करवा दिया, जुगत जुगाड़ से नौकरी हो गई है, और ये लोग ठीक नहीं है, इनका स्टैंडर्ड या इनका अपना एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, क्या ऐसा है क्या? सर इनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। शुरू में जैसे 2003 में इन लोगों की का ये मामला हुआ, इन लोगों की नियुक्ति हुई ग्राम स्तर पे, काफी लोगों ने हालांकि समय दिया है सर, लेकिन सर ये पीढ़ी की जनरेशन जो है सर मॉडर्न हो गया है, बच्चे अब चूंकि कुछ स्तर के भी हो गए कि ज्यादा से ज्यादा उनको अच्छी से अच्छी सुविधा शिक्षा व्यवस्था दी जाए, तो ये लोग उतने सक्षम अब नहीं है कि उस हिसाब से ये बच्चों को टीचिंग कर पाए। जो शिक्षा मित्र हैं आज, उनकी नियुक्ति पिछली बार आखिरी बार कब हुई थी? सर ये 2007-08 में शायद इन लोगों की नियुक्ति बंद हो गई थी। अच्छा, 2003 से स्टार्ट हुआ। यानी शिक्षा मित्र जो अभी उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में हैं, वो कम से कम 12 साल पुराने तो होंगे ही। हाँ हाँ एकदम। तो 12 साल पढ़ाने का एक फायदा उनको ये है कि उनको वेटेज मिलना चाहिए इम्तिहान में, परीक्षा में। जी बस सरकार ने वेटेज दिया सर, उसका हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वेटेज सर एक तय मायने में होना चाहिए। जैसे अदर राज्यों में ये वेटेज अधिकतम 15% का दिया जाता है सर, जैसे राजस्थान, उत्तराखंड वगैरह राज्यों में ये वेटेज 15% का, लेकिन यही यूपी सरकार इनको वेटेज 25% का दे रही है। लेकिन सरकार ने, मुझे लगता है कि सरकार का फैसला बिल्कुल सही है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको हम 25% का वेटेज देते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस 25% के बाद अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके 60-65% तक ले जाइए। कट ऑफ अगर हम 60-65 रखते हैं और आप वहां तक चले जाते हैं, इसका मतलब कि 25% के बाद जो भी गैप आपने भरा है वो उसने आपने अपने काबिलियत के आधार पर भरा है, तो शायद आप कॉम्पिटेंट होंगे। जैसे सरकार इन लोगों का कहने का ये तात्पर्य है कि परीक्षा के बाद कट ऑफ चूंकि नहीं निर्धारित था, परीक्षा के बाद क्यों इतना हाई कट ऑफ लगाया गया, तो सर ये बताइए जब परीक्षा आयोजित हुई तो किसी को नहीं पता था कि कट ऑफ कितना जाएगा। बीटीसी वालों ने भी 150 प्रश्नों का उत्तर दिया और शिक्षा मित्र जो थे उन्होंने भी 150 प्रश्नों का उत्तर दिया, कोई ये नहीं था कि 150 में से कोई 10-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन छोड़ के चला आया हो, सबने 150 अपने हिसाब से किया होगा। अब बाद में तय हुआ ना कि 60-65% कट ऑफ रहेगा, तो जिसने 60% और 65% कट ऑफ पार किया इसका मतलब कि उसने कुछ मेहनत किया होगा, उसके अंदर कुछ ऐसी बात होगी तभी तो वो 60-65% कट ऑफ पार कर गया। नहीं बिल्कुल सही है, ये इसका जो मान लीजिए जो सिलेबस है सर वो तो प्राइमरी बेस्ट है, जिन्होंने जिनके पास अनुभव है सर उनको तो और ये कट ऑफ पार करना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा मित्र है मान लीजिए 15-16 साल से विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, उनके पास तो और अभी तो अनुभव होगा, तो इनको तो और परफॉर्मेंस बढ़िया देना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्यों 40-45 से ये लोग अटक गए, क्यों? नहीं आपकी बात दीपक बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में
प्राइमरी शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है उसका स्तर सुधारना है, अपने भविष्य को बेहतर करना है, अच्छी नस्लें अच्छी पीढ़ियां पैदा करनी है, तो फिर शिक्षकों का स्तर अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं और उत्तर प्रदेश की सरकार के फैसला बिल्कुल सही है कि अगर आप पिछले 10-12 साल से शिक्षा मित्र के तौर पर पढ़ा रहे हैं तो आपका हक बनता है कि आपको थोड़ी प्रायोरिटाइज किया जाए, आपको थोड़ी अहमियत दिया जाए। लेकिन जो सरकार ने मानक जो तय किया 60-65% और 60-60% और 65% उस कटाव को बचाए भी तो आखिर उसने मानक तय किया क्यों? कि ताकि हमको बेसिक में योग्य अध्यापक मिल सके, शिक्षा की गुणवत्ता बन सके। नहीं, मैं आप ही की बात लोगों मैं लोगों को कह रहा हूं कि दीपक की बात बिल्कुल सही है। ये सड़क पर रोज प्रदर्शन करना, जाकर के धरने देना, इससे कोई रास्ता निकलता नहीं है। और अगर सरकार राज्य सरकार ने कहा कि ठीक है जो पहले से पढ़ा रहे लोग हैं एडहॉक बेसिस पर जिनको शिक्षा मित्र कहते हैं, आइए आपको हम 25% का वेटेज देते हैं, लेकिन कट ऑफ जो है वो 60 और 65% का रहेगा। आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 65% और अगर कोटे से हैं तो 60% 60% यानी 100 में से 60 नंबर आप स्कोर कर लीजिए, आप टीचर बन जाइए। 25% हमको वेटेज दे रहे हैं, वेटेज के बाद भी 60 तक आप आ जाते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, 65 तक आ जाते नौकरी मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इससे बिल्कुल सही करें आप, इससे होगा ये कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो आप बनाए रखेंगे और जो क्वालिटी टीचर्स है उनकी नियुक्ति आप कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार बिल्कुल सही है, राज्य सरकार सही है सर इस मामले में तो, लेकिन इस बात को गंभीरता से ले और इस कताब को बचाए भी तो, और उसके बाद महाधिवक्ता महोदय को हर सुनवाई में वो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि वो आए सुनवाई जल्दी से हो और ये मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो जाए। सर कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया सर, बताइए। हाँ, ये दुखद है कि 7 बच्चों ने खुदकुशी कर ली है। आप ये समझिए कि परिवार चलाने के लिए या परिवार का बोझ इन नौजवान कंधों पर कितना ज़्यादा होता है कि नौकरी अगर नहीं मिलती से दिखती है तो वो ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना ही अच्छा समझते हैं। और ये बहुत दुखद है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए। और ऐसे में नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है और वो भी तब जब वो काबिल है और इम्तिहान देकर के बैठा हुआ है इस उम्मीद में कि नतीजा आएगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी, नतीजा नहीं आ रहा है, सरकार का नुमाइंदा कोर्ट में नहीं जा रहा है, कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा है और लोग जो हैं वो जस के तस खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मेरी जो व्यक्तिगत गुजारिश है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आप कम से कम इतना सुनिश्चित करें कि जो महाधिवक्ता आपके हैं वो कोर्ट में जाएं, सरकार का पक्ष रखें, बताएं कि सरकार ने 60 से 65% कट ऑफ क्यों रखा है और सरकार चाहती है कि एक कॉम्पिटेंट आदमी हमारी प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाए। अगर ऐसा है तो कोर्ट को इस बात को समझना चाहिए और कोर्ट को कन्विंस कराना चाहिए राज्य सरकार को, ताकि कोर्ट का फैसला जो है राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक हो पाए। लेकिन ज़रूरी यह है कि राज्य सरकार इस पर बहुत ही एक्टिव हो, प्रॉम्प्ट हो और अपने एडवोकेट को वो कोर्ट में भेज करके फैसला अपने हक में ले। यह बहुत दुखद है कि 4,10,000 लोग 9 महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उम्मीद है कि 12 तारीख को जब सुनवाई होगी कोर्ट में, शिक्षकों को अगर भावी शिक्षकों को अपनी मांग मनवाने के लिए सर सड़क पर उतरना पड़े तो क्या ये सही है सर भारत की राजनीति और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में? नहीं दीपक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपकी बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 12 तारीख को जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी डबल बेंच के सामने तो महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार के रहेंगे और सरकार के आदेश के मुताबिक फैसला लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबको। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।